सो आफ्टर अ शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड वीकेंड का वार इन बिग बॉस 14, एक नए हफ्ते की शुरुआत आज से होने जा रही है। शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड मैंने इसलिए कहा क्योंकि वीकेंड के वार पर जो हमारे होस्ट हैं सलमान खान ने, उन्होंने टेलीविजन की दो सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस यानी रूबीना दिलायक और जैस्मीन भसीन, इन दोनों की बैंड बजा के रख दी। और जब से ये एपिसोड आया है फैंस जो हैं वो ट्विटर पे बट चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सलमान ने अननेसेसरीली जो है वो रूबीना और जैस्मीन को टारगेट किया, क्योंकि आपको याद है जैस्मीन और राखी की एक अगली फाइट हुई थी जिसमें जैस्मीन जो है वो थोड़ा ज़्यादा बोल गई थी। ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, राखी के फेशियल फीचर्स को लेकर उन्होंने कुछ कॉमेंट पास किए थे और ये मुद्दा सलमान ने उठाया और जैस्मीन की तो कहें अच्छी खासी क्लास लगाई। इतना ही नहीं, सलमान ने रूबीना की भी क्लास लगाई वीकेंड के वार पर। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको जल्दी से एक क्विक रिकैप दे दूं कि इन दोनों जो टेलीविजन की पॉपुलर बहुएं हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इन दोनों की इस हफ्ते जो है वो सलमान ने क्लास लगाई, जिसके बाद से इनके फैंस का कहना है कि इन्हें अननेसेसरीली टारगेट किया गया ओवर राखी सावंत एंड अर्शी खान, जो बिना वजह बिलो द बेल्ट जाती हैं। ये दोनों जो एज चैलेंजर्स आई हैं राखी और अर्शी, ये अननेसेसरीली घर में ऐसे ड्रामास क्रिएट करती हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके सलमान ने टारगेट पर रखा रूबीना और जैस्मीन को। तो खैर चलिए, इनके फैंस तो लगे पड़े हैं सोशल मीडिया पर कल रात से ही। लेकिन इस बीच दो एक्स कॉन्टेस्टेंट्स हैं, उन्होंने भी जैस्मीन को टारगेट किया और इनमें से एक हैं डायंड्रा सॉरस। डायंड्रा ने जो है वो अपने ट्वीट पे लिखा है कि जो पर्सनालिटी और चेहरा है तुम्हारा जैस्मीन वो अलग है। इसके अलावा डायंड्रा ने एक पिक्चर को यूज़ किया है जिसमें एक नागिन है। आपको याद हो जैस्मीन नागिन सीरियल का हिस्सा रह चुकी हैं, तो एक नागिन के ऊपर टियारा लगा हुआ है, इस पिक्चर को उन्होंने यूज़ किया है जैस्मीन के लिए। और देवोलीना भट्टाचार्य जी लास्ट सीजन में बिग बॉस की कंटेस्टेंट थी और काफ़ी वोकल रहती हैं अपनी ओपिनियन को लेकर, अक्सर ट्वीट करती हैं, उन्होंने भी जैस्मीन को इस सीज़न का वर्स्ट कंटेस्टेंट कहा है। तो मतलब क्लियरली एक हीटेड डिबेट बन चुका है जो सलमान ने रूबीना और जैस्मीन को टारगेट किया इस बार वीकेंड के वार पर। तो आप किसकी साइड है? क्या आपको भी लगता है कि सलमान ने जो है वो अननेसेसरीली इन दोनों टेलीविजन की जो लीडिंग लेडीज़ हैं उन्हें टारगेट किया, या आपको लगता है कि नहीं ये जस्टिफाइड था क्योंकि इनका एक अपर हैंड है, ये थोड़ा अपने आप को डिफरेंट समझती हैं और ऐसे में राखी और अर्शी को लेके इन दोनों ने जिस तरह से कॉमेंट पास किया वो जस्टिफाइड नहीं था? बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। और इस बीच इजाज खान ने फाइनली अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, और अंदर इजाज ने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया और बाहर भाई पवित्रा मैडम, जब तक घर में थी तब तो इनके लड़ाई झगड़े ही होते रहते थे, लेकिन ये बिग बॉस का घर ही कुछ ऐसा है, यहाँ कब प्यार हो जाए किसी को पता नहीं चलता है। तो बाहर पवित्रा ने एक ट्रोलर को जवाब देते हुए लिखा है स्टे अवे फ्रॉम पाविजाज। पाविजाज मतलब उन्होंने नाम भी दे दिया, पवित्रा और इजाज का जो नाम है उसको उन्होंने पाविजाज कह के रेफर किया और ट्विटर पे उन्होंने साफ कह दिया, यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी है। अब देखना है कि ये जो कन्फेशन है वो पवित्रा बिग बॉस के घर में जाती हैं, मेकर्स उन्हें वापस लेके जाते हैं, या बाहर आके दोनों अपने प्यार को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये तो खैर आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये पाविजाज फैंस के लिए डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ है। और इसके अलावा आज मंडे है और कल सलमान ने कहा है कि इविक्शन जो है वो मंडे को होगा। तो आपको बता दूँ राहुल महाजन हैज़ बीन इविक्टेड फ्रॉम द शो, इन केस यू डोंट नो, आज रात आप राहुल का इविक्शन देखेंगे। क्लियर था वीक थे राहुल और सबको ही लग रहा था कि राहुल महाजन ही इविक्ट होने वाले हैं, और आज मंडे है और मंडे मीन्स नॉमिनेशन डे। और नॉमिनेशन की भी एक छोटी सी आपको अपडेट दे दूँ, इफ ऑनलाइन सोर्सेज आर टू बी बिलीव, चार कंटेस्टेंट्स हैं जो इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं, और वो चार कौन हैं आप शॉक्ड हो जाने वाले हैं उनके नाम सुन के। वो चार हैं अभिनव शुक्ला, रूबीना दिलायक, अली गोनी और जैस्मीन भसीन। ऑनलाइन सोर्सेज की माने तो ये चारों जो हैं वो नॉमिनेशन को डिस्कस कर रहे थे। आपको पता है बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन को डिस्कस करना इज़
स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द रूल. और लास्ट वीक भी कुछ ऐसा ही हुआ था, निकी और अली ने नॉमिनेशन को डिस्कस किया था, जिसके बाद पनिशमेंट के तहत सारे घर को नॉमिनेट कर दिया गया था. और इस बार इन चारों को एक बार फिर से डायरेक्ट नॉमिनेट किया है, बिग बॉस ने डायरेक्टली नॉमिनेट किया है, क्योंकि ये नॉमिनेशन को डिस्कस कर रहे थे. तो इन चारों में से जो भी जाएगा, जिसके बाद गेम जो है वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है, क्योंकि ये चारों स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं. तो क्या लग रहा है आपको कि किसके जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए. और मैं आपको जल्दी मिलती हूँ बिग बॉस के एक नए अपडेट के साथ. ABP News, आपको रखे आगे.